और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि टाइगर श्रॉफ को ना एक्शन के साथ साथ थोड़ी सी एक्टिंग पे भी तवज्जो दी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीशा रिएक्ट्स। कैसे हैं जी, उम्मीद है सारे ठीक ठाक मज़े में होंगे। और जनाब, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था क्योंकि मैं जो है कराची आई हुई हूँ और ट्रैवलिंग में बहुत सारी चीज़ों में बहुत टाइम जो है ना वो गेन हो जाता है। पूरी कोशिश होती है कि वीडियो बनाऊँ। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जी टीज़र आ गई हैं, ट्रेलर आ गए हैं, तो वीडियो बनाई जाए। तो आज हम जी करने वाले हैं जिसके ऊपर, वो है जी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इससे पहले भी हमने ये मूवी देख चुके हैं, तो ये है जी अक्षय की। और बहुत इंतज़ार था अक्षय कुमार का, बहुत सारे जो है लोगों को, बड़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं। और साथ में है जी टाइगर। तो टाइगर की भी अभी जो मूवी आई थी वो फ्लॉप हो गई थी, तो मे बी के इसमें दोनों का काम बहुत अच्छा हो, क्योंकि अक्षय के भी बहुत सारे जो एक्शंस होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, और जो है टाइगर श्रॉफ के भी। और हम लोग और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि टाइगर श्रॉफ को ना एक्शन के साथ साथ थोड़ी सी एक्टिंग पे भी तवज्जो देनी चाहिए। तो आप लोग की क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पहले देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं बातें शादी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल का आइकन आपने प्रेस करना है ताकि मेरी सारी वीडियो मिल सके। और थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए। और जी अनीशा ऑफिशियल पे भी सारे के सारे आ जाएं, मुझे ज्वाइन करें ठीक है जी इंस्टाग्राम पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके लेट्स गो। പ്രളയം, സർവനാശം വിതയ്ക്കുന്ന മഹാപ്രളയം. What I mean to say is, പ്രളയം ആനെ വാലാ ഹൈ. ഏക് ഐസാ പ്രളയം ജോ ഭൂത, വർത്തമാൻ ഔർ ഭവിഷ്യ കോ ബദൽ ദേഗാ. ഏക് ഐസാ പ്രളയം जो अच्छाई और बुराई की जंग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। Who will stop me? दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे, हिंदुस्तान है हम। ईद 2024 में आ रही है भाई, क्या बात है, बड़े धमाल लग रहे हैं इसमें। तो मतलब देख के लग रहा है कि बहुत मज़ेदार होने वाली है, फुल ऑफ एक्शन। और अक्षय और टाइगर की जोड़ी कैसी रहेगी? पहले तो जी गोविंदा की थी और अमिताभ बच्चन जी की थी, और बड़ी ज़बरदस्त वो भी थी। और उसमें इसमें अब क्या होता है, इसमें ज़्यादातर वैसे एक्शन जो है नज़र आ रहा है, और पीछे जो बैकग्राउंड में आवाज़ है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। मेरा ख्याल है वो आवाज़ है जी पृथ्वीराज सर की मे बी। और इसमें जो हैं वो अक्षय हैं, टाइगर हैं, पृथ्वीराज हैं, वशु भी हैं, और बहुत सारे जो है कास्ट ली हुई है। बड़ी अच्छी फिल्मिंग बहुत अच्छी हुई है, और साथ में एक्शन मुझे बहुत अच्छे लगे, डायलॉग्स बहुत अच्छे लगे। क्योंकि यार टीज़र है इसका तो थोड़ा था कुछ समझ नहीं आया कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मे बी कि इसका जब ट्रेलर आए तो हमें जो है ना ज़्यादा कुछ देखने को मिले। लेकिन दोनों साथ में अच्छे तो लग रहे हैं, और मेरी पूरी दिल से दुआ है कि ये फिल्म सुपर हिट जाए। और क्योंकि इतनी मेहनत हो रही होती है और बहुत अच्छे एक्शन दिखाए हैं, साथ में टीज़र के हिसाब से बहुत अच्छा था टीज़र, और BGM बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मुझे इंतज़ार होता है कि यार बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत दमदार होना चाहिए, क्योंकि वीडियो में ना जाना जाती है, आई मीन पूरी फिल्म में जाना जाती है। अक्षय सर का और जो है टाइगर का मुझे इतना डेडली कॉम्बो दिख रहा है जितना मैंने अभी इसमें देखा है। और जी बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह लग रहे हैं ठीक है। और पृथ्वीराज की जो वॉइस थी ना, बेहतरीन वॉइस थी, जैसे वो जो है डिफाइन कर रहे थे, माई गॉड। और मुझे लगता है कि यार इसका विलन बड़ा दमदार होने
होने वाला है, ठीक है? आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे जो है कमेंट्स का। और ऐसे ही अनीशा ऑफिशियल को सपोर्ट करते रहे, हमने बहुत आगे तक जाना है। और जी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके जी, बाय बाय।